हेलो दोस्तों, इबास पिटारा में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब कोई अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन विद क्वेश्चन कवर्स। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 15x15 का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग ये 16x32 का ये फैब्रिक लेंगे। 1 इंच हम लोग इच साइड से एक्स्ट्रा ले रहे हैं स्टिचिंग के लिए। तो फ्रंट को हमें अंदर की तरफ रखते हुए दो साइड से इस तरह से सिलाई करना है कम्प्लीटली, और ऊपर की तरफ हमें 5 इंच का बीच में गैप देना है और सिलाई कर लेना है। देखिए हमारी स्टिच हो गया है, तो इसे सीधा कर लेते हैं। और ये देखिए, मैं ये कॉटन जो यूज़ करी हूँ ये सॉफ्ट फाइबर कॉटन है, जो हमारा वॉशेबल होता है और बहुत बार यूज़ होने के बाद भी ये दबता नहीं है। तो हमें इस तरह से हल्का करना है थोड़ा सा, और इसे डालते जाना है। ये हमारा फिलिंग हो गया है, तो इसे हम लोग अभी सिलाई करके क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। तो चलिए 1x1 अभी क्वेश्चन कवर बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कवर बनाने के लिए हम लोग ये 17x35 का फैब्रिक लेंगे। तो साइड से हमें इसी तरह से इसे सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम इसे पलट लेंगे। 8 इंच में हम लोग एक फोल्ड देंगे, इस तरह से हम लोग 12 इंच में और एक फोल्ड देंगे। दो साइड से हम लोग पिनअप कर लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारा स्टिच हो गया, तो सीधा करके देखते हैं। देखिए कितना परफेक्टली ये क्वेश्चन कवर तैयार हो गया आसानी से। चलिए हम लोग अभी इसमें डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है एक्रेलिक पेन, जो आपको मार्केट में या ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और इसे ड्रॉ करना भी काफ़ी आसान होता है। देखिए हम लोग पोटैटो स्टैम्पिंग करेंगे, तो इसलिए आप इसे इस तरह से नाइफ से जो भी आपको शेप चाहिए कट कर लीजिएगा। ये पोटैटो स्टैम्पिंग का डिज़ाइन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मज़ा आया करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ये, इसे बस हमें ट्रेस करना है और पेंट करना है। इस डिज़ाइन का क्वेश्चन बनाने के लिए स्टेंसिल मार्केट में अवेलेबल होता है, बट मैं पेंट करके बना रही हूँ। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग तीसरे क्वेश्चन कवर की तरफ चलते हैं। तो ये भी पोटैटो स्टैम्पिंग है। ये मैं एक्रेलिक पेंट लगा रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। ये कितना आसानी से ये भी हमारा बन गया। तो नेक्स्ट हमारा ये देखिए जो पेपर है, ये मैं थिक पेपर यूज़ कर रही हूँ, इसे तो बस हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारा कट हो गया, तो बस हमें इसे पेंट करते जाना है। ये मेकअप स्पंज ही मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी स्पंज यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा बस कुशन कवर है, इसीलिए मैं ये थिक पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर बेडशीट या कर्टन्स बनाएं तो आपको ये प्लास्टिक यूज़ कीजिएगा। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग अभी 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये मैं नॉर्मल पेंटिंग कर रही हूँ। आप इसी तरह से अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से कुछ भी पेंट, कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन कर सकते हैं इसे। जब आप फैब्रिक पेंट करें तो आपको 24 आवर्स के लिए मिनिमम इसे ड्राई होने दीजिएगा, और ड्राई होने के बाद बैक साइड से एक बार आयरन कर लीजिएगा यूज़ करने से पहले। देखिए हमारा बनके रेडी हो गया, तो चलिए हम लास्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन कवर। तो देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, और मुझे बनाने के लिए भी बहुत मज़ा आया। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगा ये बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।